हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लैडर। आज हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज कैसे किया जाता है और इसको सीखेंगे हम ट्रांसलेशन के थ्रू, यानी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम हैव का यूज सीखने वाले हैं। तो इससे पहले हम इसका यूज देखें, उससे पहले हम समझते हैं इसके रूल्स कि इसके रूल्स कैसे यूज किए जाते हैं सेंटेंस मेकिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता हैव का। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट जो होना चाहिए प्लूरल। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये आई जो होता है ये भी प्लूरल सब्जेक्ट में माना जाता है, तो ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। और जैसे कि पीपल, फ्रेंड्स, ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं ये, और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसको सीखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखिए, हमारा एग्जाम्पल है मेरे पास एक गोल मेज है। मेरे पास है यानी आई। ठीक है, तो अब हैव का यूज हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ करना है? तो देखिए, मेरे पास क्या है? एक गोल मेज है, यानी मेरा पजेशन है गोल मेज पर। मेरे पास कोई चीज है, उसके पास कोई चीज है, यानी किसी के पास कोई भी चीज अगर है, ठीक है, तो यानी किसी का भी, किसी के ऊपर भी अधिकार है, पजेशन है किसी चीज के ऊपर, तो वहां हैव का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन सब्जेक्ट का प्लूरल होना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैव का यूज करना पड़ता है, तो यहाँ हम करेंगे हैव का यूज। अब देखिए, मेरे पास एक गोल मेज है, तो मेरे की इंग्लिश क्या होगी? आई। तो आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट में मानते हैं, तो आई के साथ लगाएंगे हम हैव। तो मेरे पास क्या है? एक गोल मेज यानी अ राउंड टेबल। तो मेरे पास एक गोल मेज है यानी आई हैव अ राउंड टेबल। उनके पास चार कुर्सियां हैं। उनके पास, उनके की इंग्लिश होती है दे, और दे क्या होता है? दे प्लूरल होता है, तो दे के साथ लगाएंगे हम हैव। अब उनके पास क्या है भाई? फोर चेयर्स। क्या है? फोर चेयर्स। दे हैव फोर चेयर्स, उनके पास चार कुर्सियां हैं। तुम्हारे पास एक मकान है। अब तुम्हारे की इंग्लिश होती है यू। यू को भी हम प्लूरल सब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं, तो यू हैव, अब क्या है तुम्हारे पास? एक मकान यानी अ हाउस। यू हैव अ हाउस, तुम्हारे पास एक मकान है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सोने की अंगूठी है। अब हमारे की इंग्लिश लगाते हैं हम वी, और वी को हम कंसीडर करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे हैव। हमारे पास है, क्या है? सोने की अंगूठी यानी अ गोल्ड रिंग। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट देखिए। हमारे पास पर्याप्त धन है। हमारे की इंग्लिश लगाई हमने वी, वी के साथ हम लगाएंगे हैव, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है? पास। और क्या है हमारे पास? पर्याप्त धन यानी इनफ मनी। ठीक, हमारे पास पर्याप्त धन है यानी वी है ना मनी। इसी तरह से देखिए, मेरे पास एक सुंदर कार है। मेरे की इंग्लिश हो गई आई, आई के साथ हमने यूज किया हैव। आई हैव अ सुंदर कार यानी ब्यूटीफुल कार। तो मेरे पास एक सुंदर कार है, इसको हमने ट्रांसलेट किया कैसे? आई हैव ए ब्यूटिफुल कार। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव का यूज हम कैसे करते हैं। तो हैव का यूज ऐसे ही रहेगा जैसे कि हमने नॉर्मली और सेंटेंसेस में किया है। सब्जेक्ट हमारा बस प्लूरल होना चाहिए, और नॉट को जस्ट हम हैव के बाद यूज करेंगे, और देन अपना ऑब्जेक्ट लगा के अपने सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसके भी बहुत कुछ थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत इजी है इसका यूज करना। तुम्हारे पास समय नहीं है। अब देखिए, यहाँ भी हैव का यूज हम दो तरीके से करेंगे, और आपको हम दोनों ही स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। आपको जो ठीक लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे की इंग्लिश क्या हो गई? यू, और यू क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू हैव के जस्ट बाद नहीं के लिए क्या लगाएंगे हम? नॉट। यू हैव नॉट टाइम, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं यू हैव नो टाइम। यू हैव नॉट टाइम, यू हैव नो टाइम, दोनों ही स्ट्रक्चर जो है सही है, कोई सी भी आप यूज कर सकते हैं।
अब हम इसको हम डू नॉट हैव का यूज करके कैसे बनाएंगे? देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, जिसको हम कंसीडर करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, और इसके बाद लगाएंगे हम डू। ये जो डू वर्ड है ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही आता है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने हैज का यूज कवर किया था, तो हैज के साथ हमने क्या लगाया था, डस का यूज किया था, क्योंकि हैज कहाँ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में लगता है, इसलिए हमने वहां पे डस नॉट हैव का यूज किया था। यहाँ हैव लगा रहे हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डू, यू डू नॉट हैव। अब हमें यहाँ नो की लिखने की जरूरत, ये जो हमने नो लिखा है नो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा नॉट लग चुका है। यू डू नॉट हैव टाइम, देन फुल स्टॉप। तो ये स्ट्रक्चर हमारी दो तरीके से होती है, यू हैव नो टाइम, यू हैव नॉट टाइम भी कह सकते हैं, या यू डू नॉट हैव टाइम ऐसा भी कह सकते हैं। हमारे पास किताबें नहीं है, अब हमारे की इंग्लिश क्या होती है, वी, वी के साथ लगाएंगे हम हैव, वी हैव के बाद लगाएंगे हम नॉट, वी हैव नॉट किताबें, यानी वी हैव नॉट द बुक्स। और अगर हम डू नॉट हैव का यूज करें तो भी हम ऐसा कर सकते हैं, वी, वी के साथ हम लगाएंगे डू, क्योंकि वी हमारा प्लूरल पर्सन में आता है, और फिर हम लगाएंगे नेगेटिव होने की वजह से नॉट, वी डू नॉट हैव, अब लगाएंगे हम अपना ऑब्जेक्ट जो क्या है, बुक्स, वी डू नॉट हैव द बुक्स। नेक्स्ट देखिए, उनके पास काले रंग के जूते नहीं है, उनके यानी दे, दे के बाद क्या लगाएंगे हम हैव, दे हैव, नहीं के लिए लगाएंगे नॉट, दे हैव नॉट द क्या नहीं है, काले रंग के जूते यानी ब्लैक शूज। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे तरीके से करें तो अब लगाएंगे हम यहाँ दे, दे का दे ही रखेंगे, अब दे के साथ लगा देंगे हम डू नॉट हैव, यानी हैव नॉट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, डू नॉट हैव से रिप्लेस कर दिया। दे डू नॉट हैव द ऑब्जेक्ट हमारा वही रहेगा, दे डू नॉट हैव द ब्लैक शूज। ठीक, आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास तुम्हारा बैग नहीं है, मेरे पास यानी आई, आई के साथ लगाया हमने हैव, नहीं आ रहा है तो लगाएंगे हम नॉट, और क्या नहीं है मेरे पास, तुम्हारा बैग यानी योर बैग। ओके, अब इसी को हम दूसरी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, आई, यहां लगाएंगे हम डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव योर बैग। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, ठीक है। अब ये जो वर्ड आता है ना, जहाँ पे कोई नहीं के लिए हम नो का यूज करते हैं। अब तुम्हारा की इंग्लिश क्या होती है, यू, यू के बाद लगाएंगे हम हैव, अब यहाँ पे हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, कोई नहीं के लिए जस्ट लगाते हैं हम नो, यू हैव नो फ्रेंड, यानी तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। ठीक, अब इसी के दूसरी स्ट्रक्चर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, यू डू नॉट हैव फ्रेंड। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, मेरा कोई भाई नहीं है, अब यहाँ पे भी आता है क्या, कोई नहीं, तो कोई नहीं के लिए हमने क्या बताया, हमें क्या लगाना है, नो, तो मेरा यानी आई हैव कोई भाई यानी नो ब्रदर, आई हैव नो ब्रदर यानी मेरा कोई भाई नहीं है। अगर हम डू नॉट हैव का यूज करके बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं, आई डू नॉट हैव अ ब्रदर। ठीक है, तो दोनों ही स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैव का यूज कैसे करेंगे हम, तो हम अपनी वर्ब जो हैव को सबसे पहले रखेंगे, फिर अपना प्लूरल सब्जेक्ट रखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और सेंटेंस को एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क पे। तो चलिए आगे देखते हैं, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। क्या तुम्हारे पास साइकिल है, ठीक है, क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे की इंग्लिश क्या होती है, यू, यू के साथ लगाएंगे हम हैव, तो हैव को हम सबसे पहले लगा देंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हैव, फिर लगाएंगे हम यू,
साइकिल को लिखेंगे बाइसिकल, देन क्वेश्चन मार्क, हैव यू अ बाइसिकल। ठीक है, अगर हम डू का यूज करना चाहें तो यू के साथ हम पहले लगाएंगे डू, फिर लगाएंगे हम यू, यू के बाद लगाएंगे हम हैव, डू यू हैव अ बाई सिकल। ठीक है, अब देखिए क्या हमारे पास फुटबॉल नहीं है। अब ये इंटरोगेटिव होने के साथ साथ सेंटेंस कैसा है, निगेटिव भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम निगेटिव भी बनाएंगे इसका। क्या हमारे पास, हमारे की इंग्लिश क्या होगी, वी, वी के साथ लगाएंगे हम हैव, तो हम हैव को सबसे पहले रखेंगे, हैव वी। अब लगाएंगे हम नहीं की इंग्लिश यानी नॉट, हैव वी नॉट अ फुटबॉल, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, डू वी नॉट हैव अ फुटबॉल, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आप में अकल नहीं है, कैसे बनाएंगे इसको, आपके लिए क्या लगाएंगे हम, यू, यू के साथ क्या लगाएंगे हम हैव, तो हैव को हम पहले रखते हैं, हैव यू नो, अकल के लिए लिखाएंगे सेंसेस, हैव यू नो सेंसेस। ठीक है, अगर हम इसको डू से करें तो सबसे पहले लगाएंगे हम डू, यू हैव नो सेंसेस, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं मेरे पास क्या है। देखिए हमने पिछले सेंटेंसेस में देखा कि जो क्या वर्ड है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, तो क्या की जो इंग्लिश होती है वर्ड, हम वो यूज नहीं करते अगर क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या जो वर्ड आ रहा है सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो यानी क्या की जो इंग्लिश है वॉट, यानी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश रखी जाती है, यानी क्या की इंग्लिश क्या हो गई, वॉट। ठीक, और वॉट आई, मेरे के लिए क्या लगाएंगे आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे हम हैव, तो इसलिए सबसे पहले हम रखेंगे वॉट के जस्ट बाद हैव, वॉट हैव आई एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसको हर अगर हम दूसरी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वॉट लगाएंगे और आई के साथ, आई होने की वजह से सबसे पहले लगाएंगे हम डू, या इसको लिख सकते हैं हम वॉट डू आई हैव। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या मेरे दोस्तों के पास खाली समय है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यानी ये प्लूरल है फ्रेंड्स, ठीक है, तो फ्रेंड्स के साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से हैव, तो सबसे पहले लिखेंगे हम हैव मेरे दोस्तों यानी माई फ्रेंड्स, हैव माई फ्रेंड्स, खाली समय की इंग्लिश होती है लेजर टाइम, LEISURE लेजर टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसको डू से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डू फिर लगाएंगे हम अपना सब्जेक्ट, डू माई फ्रेंड्स हैव लेजर टाइम, ठीक, देन क्वेश्चन मार्क पे इसको एंड करेंगे। यानी दो तरीके से हम बना सकते हैं, हैव माई फ्रेंड्स लेजर टाइम या डू माई फ्रेंड्स हैव लेजर टाइम। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या मेरे पास कुत्ता है, तो मेरे की इंग्लिश क्या लगेगी, आई, आई के साथ हम लगाएंगे हैव, तो हैव को हम सबसे पहले रखेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैव आई ए डॉग, और इसको हम डू से बनाएंगे, डू आई हैव अ डॉग। अगर मान लीजिए ये निगेटिव भी होता तो हम क्या करते, हम नॉट को आई और हैव के बीच में लगा देते, यानी डू आई नॉट हैव अ डॉग। ओके, तो आई थिंक आपको हैव का यूज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, दोनों ही स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होंगी, आपका जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे ही इसको यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे।